Assalamualaikum, my name is Javed Iqbal-Aiman. Python series में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स. पाइथन में जैसे नॉर्मली इससे पहले पिछली रिकॉर्डिंग में मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम जो वेरिएबल बनाते हैं और उसमें जो वैल्यू देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से वो उसकी टाइप असाइन कर देता है. तो अगर कोई इनवर्टेड कॉमास में लिखते हैं या सिंगल कोट में लिखते हैं तो उसको एज ए स्ट्रिंग ले लेता है. उसी के अंदर हम मज़ीद फर्दर वराइटी देखेंगे, स्ट्रिंग्स की वराइटी देखेंगे आज. जैसे हम नॉर्मली हमने इससे पहले पढ़ा कि हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं और कोई भी वैल्यू देते हैं सिंगल कोट में या इनवर्टेड कॉमास के अंदर, तो देन वो क्या करता है कि उसको जो है वो प्रिंट कर देता है. मैंने कहा पाइथन प्रिंट कर दो, तो फिर इसको हमने प्रिंट के लिए हमने देखा प्रिंट एक्स, तो हमें एक्स का प्रिंट हो जाएगा ना. तो ये तो नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं. अच्छा, अगर हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग देना चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जिस फॉर्म में स्ट्रिंग दूँ वो प्रिंट भी उसी फॉर्म में करें, तो देन उस सूरत में क्या होगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया और मैं चाहता हूँ मैं बहुत सारी लाइनों में लिख रहा हूँ और जितनी लाइनों में लिख रहा हूँ तो कोई br नहीं करूँ, ना ही बैक स्लैश एन करूँ, और लेकिन मैं जिस फॉर्म में लूँ उसी फॉर्म में प्रिंट हो जाए. जितनी लाइनें मैं ब्रेक करता हूँ उतनी लाइनें ही ब्रेक हो जाए. तो फिर आपने क्या करना होगा, तीन दफ़ा इन्वर्टेड कॉमास आपने देने होंगे. ठीक है जी, अब आप कुछ भी लिख देते हैं. अब जैसे मैंने कहा एक मिसाल लिख दी, हमने कहा कराची इज़ बिग्स, मैंने लिख दिया बिग सिटी, कुछ भी लिख दिया एक्स वाई जेड हमने. अब मैं चाहता हूँ इसके बाद मैं लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ, तो लाइन ब्रेक कर दी हमने. और हमने कहा एक मिसाल पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, फिर हमने कहा एक मिसाल कुछ भी लिख दिया एक्स वाई जेड, जो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ. अब मैंने इसको तीन लाइनों में लिखा है, तो जब मैं इसका प्रिंट लूँगा तो अब जैसे हमने प्रिंट दे दिया, हमने एक्स ए का प्रिंट ले लिया, तो ये तीन ही लाइन में मुझे आउटपुट देगा. यानी ना हमें बैक स्लैश एन लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही हमें बी आर देने की ज़रूरत पड़ी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. हमने जिस फॉर्म में लिखा उसी फॉर्म में इसने हमें प्रिंट दे दिया. तो ये एक हमारे पास वैरायटी मिलती है. अगर मल्टी लाइन में काम करना चाहते हैं तो मल्टी लाइन में काम करने के लिए हमें एक वैरायटी मिलती है. इसी तरीके से अगर मैं स्लाइसिंग करना चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं हमारे पास कोई भी वैल्यू है और उसको मैं अंदर में स्लाइसिंग करना चाहते हैं, जैसे मैं मिसाल मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स के नाम से और मैं इसकी वैल्यू पास कर देता हूँ, मैंने मिसाल जावेद इकबाल. अब मैं इसके अंदर स्लाइस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इससे प्रिंट आए, लेकिन मैं इसमें से कुछ खास एरिए को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यानी स्लाइसिंग करना चाहते हैं, तो हमने कहा प्रिंट दे दिया. अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हमारे वेरिएबल है एक्स के नाम से, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है. अब मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे शुरू के तीन कैरेक्टर छोड़ देने हैं और इसके बाद मुझे आगे का प्रिंट चाहिए. तो जैसे मैं शुरू के तीन कैरेक्टर छोड़ के वे काम करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर थ्री लिखा, फिर इसके बाद आपने कॉलन देना है और कॉलन के साथ आपने क्या करना है, जैसे अब मैं चाहता हूँ तीन कैरेक्टर छोड़े और फिर कहाँ तक चले, सिक्स तक जाए, तो मैं अभी सिक्स पास कर दिया. तो अब जब मैं इसका प्रिंट लूँगा तो मेरे पास प्रिंट क्या आ गया, देखिए इसने ए आई डी का मुझे प्रिंट दे दिया. ठीक है, इसका मतलब है कि जहाँ पे हमने स्टार्ट किया उसके बाद कॉलन लगा के हमने लास्ट दे दिया, तो वहाँ तक हमें इसका जो है वो प्रिंट दे देगा. इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ मैं लास्ट से प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो हमने कहा प्रिंट, और लास्ट से प्रिंट करवाने के लिए जैसे मैंने इसी वेरिएबल में आता हूँ एक्स के अंदर आता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट दिए, तो मैं लास्ट से प्रिंट करवाने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे इकबाल का प्रिंट चाहता हूँ, तो मैं अगर लास्ट से प्रिंट करूँ तो ये पाँच है, तो मैं लिखूँगा माइनस फाइव. हमने लिखा माइनस फाइव और फिर कहाँ तक प्रिंट करे, तो हमने कॉलन दे दिया और फिर इसके बाद आखिर तक आए तो माइनस वन कर देंगे. तो अगर मुझे जो इसमें इकबाल लिखा हुआ है वो पाँच करेक्टर लास्ट से पाँच करेक्टर रिवर्स में आएगा, तो मैं माइनस का साइन दूंगा और कहाँ तक चले, माइनस वन तक चले. अब जब मेरे पास यहाँ प्रिंट आएगा तो देखिए मेरे पास इकबा आया, लेकिन चूँकि मैंने माइनस वन किया था तो ये एक करेक्टर से छोड़ दिया. अगर मैं इसको माइनस ज़ीरो कर देता हूँ, क्योंकि ज़ीरो से नहीं आएगा क्योंकि हम बेसिकली जो है नंबर्स पे आ रहा है, तो पहला करेक्टर उसको मिलेगा ज़ीरो तो करेक्टर नहीं है. तो अगर मैं इसको वन पास कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि इसने लास्ट आखिरी करेक्टर पर आके रुक जाएगा और रिवर्स चलेगा. तो उसका फाइव से स्टार्ट किया और रिवर्स से चल के यहाँ पर आ गया. अगर मैं इसके बाद यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ,
तो अब मुझे ये पूरा इकबाल का प्रिंट देगा। अगर मैं इसका प्रिंट लूँगा तो मुझे पूरा इकबाल का प्रिंट आएगा, सॉरी मैं इसको माइनस वन करता हूँ। जस्ट मैं कहता हूँ और इसके साथ मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आप देखिए क्या अपडेट देता है, वो इसी को पकड़ रहा है। हाँ ठीक है, सर मतलब वो इस पे नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पे आके एक्स की वैल्यू इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका चले देता हूँ। देखिए मेरे पास बिल्कुल आवान आ गया, इसने एक करेक्टर को लास्ट को छोड़ा और पांच करेक्टर पे आ गया, तो माइनस फाइव मैंने इसने पास किया तो इसके पांच करेक्टर पे आ गया, तो आवान उसने पूरा प्रिंट कर दिया। एक्चुअली पहले वो ये रहा था कि वो कैशे से ले रहा था, वो कैशे में उसके पास जो है वो मैंने एक्सक्लेमेशन लगाया था, वो कैशे में उसका नहीं मिल रहा था। मैंने यहाँ पे अगर दोबारा उस वेरिएबल को रिपीट कर दिया तो उसको मतलब इससे अब जो कैशे को उसने अपडेट कर दिया और अब यहाँ से डायरेक्टली वो उसको रिटर्न ले रहा है। तो देखिए यहाँ से पाँच करेक्टर लिए और माइनस वन करके लास्ट करेक्टर छोड़ देगा और माइनस फाइव दिया तो सर आखिर के पांच करेक्टर जो है वो मुझे प्रिंट कर देगा। अगर मैं लेंथ, एलियन के नाम से फंक्शन है, लेंथ चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा एक्स ही, उसके पहले लेंथ देखने जाता था, हमने कहा प्रिंट, हमने कहा एलियन और किसकी लेंथ देने जाता हूँ, मैं एक्स की लेंथ देखने जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर लेंथ बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ करेक्टर इसके कितने हैं, 18। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सर्च करना चाहते हैं, बल्कि सॉरी स्पेस चले से पहले, मैं सर्च से पहले स्पेस कर लेते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यही वैल्यू है और मैं यहाँ पे अगर वाइट स्पेस मैंने दिया हुआ है, जितने चाहे वाइट स्पेस दिया हुआ है, और मैं चाहता हूँ ये वाइट स्पेस को हटा के प्रिंट दे दें, तो फिर आपने यहाँ पर क्या करना होगा, स्ट्रिप का मैथड होता है, आपने कहा प्रिंट और आपने कहा एक्स डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप का इसका बिल्टन एक फंक्शन है, तो अगर मैं स्ट्रिप करके अब जब प्रिंट लूँगा तो मेरे पास जो प्रिंट आएगा, देखिए इसे वाइट स्पेस को हटा के मुझे प्रिंट दिया, और अगर मैं नॉर्मली लूँगा तो वाइट स्पेस के साथ प्रिंट आएगा। लोअर केस में देना चाहते हैं, अपर केस में देना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है कि अगर मेरे पास जैसे एक्स ही की वैल्यू है, अगर मैं चाहता हूँ सब लोअर केस में आ जाए, तो हमने कहा प्रिंट, हमने कह दिया एक्स डॉट लोअर का मेथड है और इसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगा दिए। अब जो आउटपुट आएगा तो मेरे पास जो है वो सबको स्मॉल लेटर में लिख देगा। इसी तरीके से अगर मैं अपर केस देना चाहता हूँ तो एक्स डॉट अपर का मेथड होता है, ये क्या करेगा, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर हम कोई भी करेक्टर की जगह कोई दूसरा करेक्टर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो फिर हमने क्या लिखा, हमने कहा प्रिंट के साथ ही रिप्लेस कर दे, कि रिप्लेस करके मुझे प्रिंट दे, तो एक्स के अंदर वैल्यू मौजूद है, तो हमने कहा रिप्लेस। अब रिप्लेस के अंदर मैंने क्या, पहला करेक्टर दूंगा जिसको मैं चेक करवाना चाहता हूँ, और वो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे करेक्टर है जैसे ए, कैपिटल ए, तो मैं कैपिटल ए को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो इसके बाद आपने यहाँ पे कॉमन लगाना है और फिर उसकी जगह आप क्या देना चाहते हो, जैसे मैं जे देना चाहता हूँ। अब जब मैं यहाँ से आगे रन करूँगा तो मेरे पास देखें जहाँ पर आवान था, जहाँ पर ए लिखा हुआ था, ए की जगह उसने जे कर दिया, तो जावान कर दिया। ठीक है जी, तो ए की जगह उसने क्या कर दिया, जे कर दिया, प्रिंट कर दिया। जहाँ जहाँ मिलेगा, सिर्फ एक जगह नहीं, मल्टीपल जगह टाइम, क्योंकि मैंने एक कैपिटल में दिया था इसलिए उसने एक कैपिटल उसको एक ही मिला था। अगर मैं ए स्मॉल लेता तो इस वजह इन दोनों को रिप्लेस कर देता, इसको रिप्लेस नहीं करता, क्योंकि जो केस सेंसिटिव है जिस फॉर्म में जो लिखेंगे उसी फॉर्म में उसको चेक करने के लिए होता है। अच्छा, अगर मैं कुछ चीज़ चेक करना चाहता हूँ, जैसे एक सेंटेंस है उसके अंदर मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ, जैसे एक्स ही है, अब उसमें जावेद इकबाल आवान लिखा हुआ है, अब इसमें मैं कुछ कैरेक्टर्स चेक करना चाहता हूँ, क्या वो है या नहीं, यानी बुलियन मेथड में चेक करना चाहता हूँ कि अगर वो है तो ट्रू लिख दो, नहीं है तो फॉल्स लिख दो। तो फिर इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे सिंपल जो है वो जैसे वेरिएबल है हमारे पास एक्स का है,
उसमें मैं आगे चेक करूँगा कि अब मुझे उसमें चेक करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या उसमें AID है, और फिर इसके बाद अपने यहाँ पे चेक स्ट्रिंग में चेक करेंगे, फिर इसके बाद अपने INN लिखना है, और इसके बाद बताना है कि आपको किस में इसको ढूंढना चाहते हैं। तो मैंने कहा एक्स ढूंढना है, यहाँ मैं इसको कुछ और कर देता हूँ, मैं वाई दे देता हूँ जिसका मैं प्रिंट लूँगा, जिससे अगेंस्ट में अगर है तो मुझे ट्रू का प्रिंट करेगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स का प्रिंट कर देगा। तो वाई एक मैंने वेरिएबल ले लिया, और मैंने वहाँ पर चेक करवाया AID को, क्या उस सेंटेंस के अंदर एक्स के अंदर इन एक्स एक्स के अंदर क्या AID है। तो AID चूँकि इसके अंदर मौजूद है, AID इसके अंदर मौजूद है, अगर होगा तो अब वाई के अंदर उसकी वैल्यू चली जाएगी, यानी बुलियन ट्रू या फॉल्स चली जाएगी। तो मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो किसको, वाई को, तो अगर वो होगा तो मुझे ट्रू का आ जाएगा, बिल्कुल देखिए आ गया। और अगर मैं यहाँ पे आकर चेक करवा देता हूँ, मैंने कहा AIDS, तो AIDS तो नहीं है, AID है, तो अब इसका मतलब है कि जब मैं इसका रिटर्न लूँगा तो मुझे फॉल्स का प्रिंट आ जाएगा कि वो मौजूद नहीं है। तो ये चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। बाकी स्ट्रिंग में मैं आपको पिछली रिकॉर्डिंग में समझा चुका हूँ कि हम किसी भी स्ट्रिंग्स को आपस में प्लस करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें, और ये सारे वो फंक्शन जो कि रनिंग फंक्शन है हमारे लाजमन, एक एप्लीकेशन बनाते हुए हमें इसकी बार बार नीड होती है, तो उसको ज़रूर देखें। और उसके बाद जो भी आपको कोई पूछना हो तो कमेंट्स करें, और चैनल मेरे पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को अगर पसंद आती है तो, और जो भी आपको मज़ीद फर्दर कोई किसी टॉपिक पर रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स करें, तो मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग करूँगा। तो ठीक है जी, नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होती है।